Hello everyone, in this video we will learn about the water harvesting techniques. So first we will start from the water harvesting. What is harvesting basically? Harvesting means kisi cheez ko bhi hume store karke rakhna, usko preserve karna taki hum scarcity ke time pe usko use kar sake. So in the same way now we are doing water harvesting. So we have to store the water so that we can use it when needed. The process of collection of rainwater for reuse before it reaches the aquifer. It means hum water harvesting mein kya karte hain, jo rain hoti hai, rain hone pe jo water collect kar lete hain, fir us collected water ko hum reuse karte hain, pure karke usko filter karke. And this stored water can be used for watering of gardens, washing of streets and for irrigation purpose. Hum paudhon mein pani dene ke liye use kar sakte hain us pani ko, hum apni gali wagaira ko saaf karne ke liye use kar sakte hain aur irrigation purpose ke liye bhi use kar sakte hain. Aur rain water harvesting is the storing of rain water during the monsoon season for the purpose of using it during periods of water scarcity. या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द स्टोरिंग ऑफ रेन वाटर. इसमें हम जब मानसून होता है, मानसून सीजन में जब रेन होती है, तो रेन वाटर को हम स्टोर कर लेते हैं ताकि हम इस पानी को बाद में यूज़ कर सके. जैसे कि अगर पानी की कमी हो जाए, कई दिन तक पानी ना आए, सप्लाई ना मिले हमें, तब हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द नीड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग. फर्स्ट इज़ टू ओवरकम द इनएडिक्वेसी ऑफ सरफेस वाटर टू मीट आवर डिमांड्स. मीन्स अगर सरफेस वाटर हमें कम पड़ रहा है उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम पहले से ही मानसून सीजन में जब रेन हुई होगी तो उसके पानी को स्टोर करके रख लेंगे. फिर उस स्टोर्ड वाटर को हम इनएडिक्वेसी के टाइम पे, जब हमें पानी नहीं मिल रहा होगा, जब कम पानी पड़ रहा होगा हमें, तब हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं. टू अरेस्ट डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल्स. अब हम क्या करते हैं कि वेल्स, ट्यूब वेल्स वगैरह बना के कंटिन्यूसली वाटर गेन कर रहे हैं, जिससे कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है. तो उसको हमें ऑगमेंट करने के लिए, उस लेवल को वापस से बढ़ाने के लिए भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं. टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर क्वालिटी बाय डाइल्यूशन. डाइल्यूशन का मतलब है कि जो वाटर थोड़ा सा इम्प्योर है उसके अंदर प्योर वाटर को अगर हम ऐड कर दें तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, जिससे कि वाटर की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सकती है. नेक्स्ट इज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. अगर ग्राउंड वाटर हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम उस वाटर का अपने एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारी क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है. नेक्स्ट इज़ टू इम्प्रूव इकोलॉजी ऑफ द एरिया बाय इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर एट्सेट्रा. अगर हम रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं, अगर इस पानी को हम ग्राउंड में पहुँचा दें, तो सॉइल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा और जो उस एरिया के अंदर पेड़ पौधे हैं उनको पानी मिल सकेगा, जिससे कि वहाँ की जो वेजिटेशन है वो इम्प्रूव होगी. नेक्स्ट इज़ द वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स. फर्स्ट इज़ सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग एंड सेकेंड इज़ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग में. अपने जो घर की या बिल्डिंग्स की रूफ्स होती हैं वहाँ पे वाटर को कलेक्ट करते हैं, फिर इस वाटर को पाइप्स के थ्रू हम एक टैंक में लेके आते हैं, या इस वाटर को हम स्टोर करते हैं, फिर इस वाटर को क्लीन करके इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं एट्सेट्रा. फर्स्ट टेक्निक इज़ सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग. अब इसमें क्या करना होगा, हमें जो सरफेस पे रन ऑफ वाटर अवेलेबल है, जो पानी बहता रहता है, उस पानी को हमें स्टोर करना है.
जो ग्राउंड सरफेस पे अवेलेबल रहता है। बेसिकली ये जो टेक्निक है ये हम अर्बन एरियाज़ में यूज़ करते हैं, इन अर्बन एरिया में, क्योंकि अर्बन एरिया में क्या है कि जो लैंड है वो कवर्ड है विद इम्परवियस मटेरियल लाइक कॉन्क्रीट्स, रोड्स एट्सेट्रा, बिल्डिंग्स, हाउसेज, तो सो वहाँ पे जो रेन वाटर है वो ग्राउंड में परकोलेट नहीं हो पाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सरफेसेस हैं जैसे रोड्स हैं, इन रोड्स पे जो वाटर आ रहा है उस वाटर को हम एक ड्रेन के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर इस वाटर को हम जैसे इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर अदर पर्पजेज़। सो दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग। इन अर्बन एरिया रेन वाटर फ्लोज अवे एज सोर्स रन ऑफ, एज सरफेस रन ऑफ, सॉरी। दिस रन ऑफ कुड बी कॉट, मतलब इस वाटर को हम इकट्ठा कर सकते हैं एंड यूज फॉर रिचार्जिंग एक्वीफर्स बाई अडोप्टिंग अप्रोप्रिएट मेथड्स लाइक रिचार्ज पिट, रिचार्ज वेल एट्सेट्रा। अब यहाँ से हम जो वाटर कलेक्ट करेंगे उसको हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, मतलब जो ग्राउंड से पानी निकाल लिया अब हमने, अब वहाँ पे पानी की कमी होगी ग्राउंड में, तो जो रेन वाटर आ रहा है उस वाटर को हम ग्राउंड में पहुँचा सकते हैं एक्वीफर्स के थ्रू। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, रिचार्ज पिट्स, रिचार्ज वेल, लाइक दिस इज़ द ग्राउंड सरफेस, और यहाँ हम चैनल, एक ट्रेंच टाइप बना सकते हैं, इसके अंदर हम वाटर को फिल करके रख सकते हैं। देन आफ्टर सम टाइम दिस वाटर विल परकोलेट इन टू द ग्राउंड एंड रीचेज टू द एक्वीफर। सेकेंड टेक्निक इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दिस टेक्निक इज वाइडली यूज इन दिस। वट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कलेक्ट द वाटर एट द रूफ ऑफ आवर हाउसेज बिल्डिंग्स, देन दिस कलेक्टेड वाटर इज रीचेज टू ए टैंक थ्रू ए सिस्टम ऑफ पाइप नेटवर्क्स। इन रूफ टॉप हार्वेस्टिंग द रूफ बिकम्स द कैचमेंट एंड द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस बिल्डिंग्स। तो सबसे पहले जैसे हम रिवर्स से इरिगेशन करते हैं, रिवर्स का भी एक कैचमेंट एरिया होता है, किसी एरिया से बहुत सारी स्मॉल स्मॉल ट्रिब्यूटरीज वाटर कलेक्ट करके लेके आती हैं, और फिर वो जब उसका साइज़ बड़ा हो जाता है देन इट इज़ कॉल्ड रिवर। तो रिवर एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम होता है, उसके बाद रिवर जाके किसी खेत को इरिगेट करती है। इसी तरह से रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये जो घर की छत है ये कैचमेंट एरिया, और जैसे रिवर्स होती हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, वैसे ही ये जो पाइप्स का नेटवर्क है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। उसके बाद ये टैंक जहाँ हमें इसको स्टोर करना है, ये जैसे रिवर्स इरिगेशन में, कैनाल इरिगेशन में हम खेत में अपने फील्ड्स में वाटर को पहुँचाते हैं, इसी तरह हमने वाटर को पहुँचा के टैंक में स्टोर कर लिया। इट कैन आइदर बी स्टोर्ड इन ए टैंक और डाइवर्टेड टू आर्टिफिशियल रिचार्ज सिस्टम। अब इस स्टोर, इस कलेक्टेड वाटर को हम किसी टैंक में भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्टली हम किसी वेल के अंदर डाल के और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड वेरी इफेक्टिव एंड इफ इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली हेल्प्स इन ऑगमेंटिंग द ग्राउंड वाटर लेवल ऑफ द एरिया। ये इस मेथड में हमें ज़्यादा कॉस्ट इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, इफ़ेक्टिव भी है, और अगर हम इसको प्रॉपरली, इसको अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो ये डेफिनेटली ग्राउंड वाटर को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प कर सकता है। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द सिस्टम मेनली कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ फॉलोइंग सब कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज कैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, फर्स्ट फ्लश एंड फिल्टर। देन वन पॉइंट इज स्टोरेज टैंक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग अबाउट द कैचमेंट, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग सर्व द पर्पज ऑफ कैचमेंट। मतलब जो हमारी रूफ है वही क्या है, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से हम रेन वाटर को कलेक्ट करेंगे। द सरफेस दैट रिसीव्स रेनफॉल डायरेक्टली इज़ द कैचमेंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इट मे बी टेरेस, ये घर की छत हो सकती है,
कोर्टयार्ड हो सकती है या कोई पेव्ड या अनपेव्ड ओपन, मतलब कोई पक्की जगह हो सकती है घर की। द टेरेस में भी फ्लैट आरसीसी की बनी हो सकती है, स्टोन रूफ हो सकती है या स्लोपिंग रूफ हो सकती है। स्लोपिंग रूफ इस तरह से होगी, अगर इस तरह की स्लोपिंग रूफ है हमारी तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक चैनल प्रोवाइड करेंगे, जो रेन वाटर होगा वो स्लाइड करके इस चैनल में आएगा, फिर इस चैनल को हम एक पाइप से कनेक्ट करके एक स्टोरेज टैंक तक वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देंगे। सेकंड इज़ द ट्रांसपोर्टेशन। अब जो रूफ़ पे हमने वाटर कलेक्ट किया है इसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है इन पाइप्स के थ्रू टू ए स्टोरेज टैंक। रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप शुड बी कैरिड थ्रू ड्रेन्स टू स्टोरेज सिस्टम। ये ड्रेन पाइप्स की के थ्रू हम स्टोरेज टैंक तक वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे। वाटर पाइप शुड बी यूवी रेजिस्टेंस, इट मे बी ISI, HDPE पाइप और PVC पाइप ऑफ रिक्वायर्ड कैपेसिटी का होना चाहिए। वाटर फ्रॉम स्लोपिंग रूफ्स कुड बी कॉट थ्रू गटर्स एंड डाउन टेक पाइप्स। गटर्स मीन्स दिस इज द गटर एंड दिस इज द डाउन टेक पाइप। एट टेरेसिज माउथ ऑफ द ईच ड्रेन शुड हैव वायर मैश टू रेस्ट्रिक्ट फ्लोटिंग मटीरियल। अब जहाँ से ये वाटर एंटर करेगा पाइप में, यहाँ हमने एक मैशिंग लगा देनी है, एक जाली लगा देनी है, ताकि अगर छत पे कोई भी लीव्स हैं या कोई भी पार्टिकल है बड़े साइज के, पेज वगैरह है, प्लास्टिक है, वो इसके अंदर एंटर ना कर सके। देन इज़ द फर्स्ट फ्लश। अब जब मानसून सीजन में जो पहली बारिश होती है तो उस टाइम क्या होता है, जो छत पे डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठा रहते हैं, तरह तरह की वेस्टेज होती है, वो भी रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाती है। तो हमें उस पानी को स्टोर नहीं करना चाहिए, उस पानी को रिमूव कर देना चाहिए, अपने स्टोरेज टैंक तक नहीं पहुंचने देना उसको। तो उसके लिए हम एक अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं, कैसे। सो सी इन दिस, हम एक ये टी अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये टी की तरह एक अरेंजमेंट है। इस एंड से रेन पे सॉरी जो रूफ पे रेन वाटर हमारा कलेक्ट हुआ था वो यहाँ से एंटर करेगा। अब यहाँ देखो टी लगी हुई है एक, इस टी से ये वाटर आगे नहीं जा सकता, तो क्या करेगा, ये वाटर इधर आएगा और इधर ही आके ये सारा पानी स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के साथ साथ क्या होगा, यहाँ एक प्लास्टिक की ओवरफ्लो एक बोल लगी हुई है, ये बोल जब यहाँ का लेवल राइज होएगा तो ये बॉल भी ऊपर की तरफ उठेगी और ये लास्ट में कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पे जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। अब ये भरने के बाद क्या होगा, अब रूफ से क्लीन वाटर आना स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग की डस्ट वगैरह थी वो सब आके यहाँ इकट्ठा हो चुकी है। अब जो साफ पानी है वो अपने स्टोरेज टैंक की तरफ मूव करेगा। तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम फर्स्ट फ्लश। देन फिल्टर। फिल्टर्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर टू इफेक्टिवली रिमूव टर्बिडिटी, कलर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब वाटर के अंदर अगर कोई टर्बिडिटी है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कलर्स हैं, या और भी कोई मटेरियल अगर बच गया है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, तो उनको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक फिल्टर का। अब यहाँ से जो फर्स्ट फ्लश के बाद वाटर आया था वो इस फिल्टर के अंदर एंटर करता है। देन इस जगह पे हमने फिल्टर मीडिया लगाया हुआ है, यहाँ से वाटर फिल्टर होने के बाद ये जो एंड है ये डायरेक्टली अब टैंक से कनेक्ट होगा, हम यहाँ से वाटर को टैंक में भेजेंगे। इट रिमूव सील्ट, डस्ट, लीव्स एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम एंटरिंग द स्टोरेज टैंक। अब फिल्टर का काम है कि ये सिल्ट को रिमूव करेगा, डस्ट को रिमूव करेगा, कोई पत्ते वगैरह हैं उनको रिमूव करेगा, ऑर्गेनिक मैटर्स को रिमूव करेगा और उनको स्टोरेज टैंक तक नहीं पहुंचने देगा। आफ्टर फर्स्ट फ्लशिंग ऑफ रेनफॉल वाटर शुड पास थ्रू फिल्टर्स
एक ग्रेवल सैंड एंड मैश फिल्टर, मैश मतलब एक जाली की तरह फाइन मैशिंग होगी, बहुत स्मॉल वॉइड्स होंगे उसके अंदर, उनके अंदर से वाटर को पास करेंगे तो जो वेस्ट मटेरियल है वो जाली के ऊपर ही रह जाएगा और सिर्फ जो वाटर है वो क्लीन वाटर उसके अंदर से पास कर जाएगा। एंड मैश फिल्टर इज़ डिज़ाइंड एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ स्टोरेज टैंक, दिस फिल्टर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन कीपिंग द रेन वाटर इन द स्टोरेज टैंक क्लीन। ठीक है, तो स्टोरेज टैंक तक पहुंचने से पहले हम फिल्टर को प्लेस करते हैं, इससे पास होने के बाद ही वाटर स्टोरेज टैंक पे पहुंच पाता है। सो द नेक्स्ट इज स्टोरेज टैंक, आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर द क्लीन वाटर इज स्टोर्ड इन ए टैंक। अब हम जो फिल्टर्ड वाटर है उसको स्टोर करेंगे किसी स्टोरेज टैंक के अंदर, इट मे बी प्लेस्ड ऑन ग्राउंड और इट मे बी अंडरग्राउंड। इन टैंक्स को अगर स्पेस अवेलेबल है हमारे पास तो ग्राउंड पे रख सकते हैं, अदरवाइज इसको अंडरग्राउंड भी रखा जा सकता है। और ये जो टैंक्स है ये टॉप से कवर्ड रहने चाहिए ताकि कोई कोई फॉरेन मटेरियल है, कोई डस्ट है, वो इसके अंदर न जा सके और वाटर कॉन्टेमिनेट ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।